एंड फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए CG बोर्ड मासिक आकलन 2022 माह अगस्त कक्षा 8, विषय है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सारे क्वेश्चनों के आंसर हम विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपने अदर सब्जेक्टों के अपने मासिक आकलन पेपर का फुल सोल्यूशन नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिएगा। तो पूर्णांक 25 नंबर का होने वाला है, 40 मिनट का समय मिलेगा। पहले हैं बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न था हमारा, दहन के लिए गैस की आवश्यकता होती है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि हम वायु की उपस्थिति में किसी चीज़ का दहन नहीं करेंगे तो वो जलेगी नहीं। तो दहन के लिए हमें सर्वाधिक आवश्यकता किस चीज़ की होती है, कौन सी गैस, वो ऑक्सीजन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे, धातुओं का गुण जिन्हें उन्हें पीटने पर पतली चादर बन जाता है। तो पतली चादर बनाने का गुण किस में होता है, तन्यता में। तीसरा बहुविकल्पी क्वेश्चन है, रिक्त भंगुरता विकृत होने का गुण है। तो क्या है भंगुरता, क्या है, विकृत होने का गुण है। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, जब कार्बन की दो ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चींटी मधुमक्खी के काटने पर जलन क्यों होता है, जलन शांत करने के लिए आप क्या करेंगे। चींटी मधुमक्खी के काटने पर फार्मिक अम्ल का स्त्राव करता है जिसके कारण त्वचा में जलन होने लगती है। इसमें कैलामाइन विलयन लगाते हैं जो फार्मिक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो क्या लगाते हैं, कैलामाइन विलयन लगाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों में पेंट क्यों लगाए जाते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट लगाते हैं। पेंट वस्तुओं की सतह तथा वायु या नमी के बीच संपर्क नहीं होने देता है। रिएक्शन दी गई थी NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, एक शब्द में समीकरणता है। तो यह अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण व पानी का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सोना धातु है। यह एक कोमल अधातुवर्धन तन चमकदार पीले रंग की धातु है, सबसे अधातुवर्ध व तन्यता वाली धातु है। यह ऊष्मा तथा विद्युत की कुछ अलग होती है। तो जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से में तन्यता चमक होती है और उससे अधातुवर्धनीता तन्यता के गुण पाए जाते हैं तो वो धातुएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, आप कैसे सिद्ध करेंगे। दूध से दही का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन नए पदार्थ में पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार दूध से दही की प्राप्ति तो हो सकती है परंतु दही से पुनः दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोशर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है, शुष्क सेल की सहायता से परिपथ तैयार कीजिए धातु व धातु की चालकता प्रदर्शित करने के लिए विद्युत चालन बताइए। ये था आपका मासिक आकलन कक्षा 8वीं विज्ञान का। यदि आप इसे PDF में देखना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा
subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे subhansclasses.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।